की तैयारी हो चुकी है इंद्रादि वृश्चिक पालों के लिए और सूर्यादि नवग्रहों के लिए, गणपति आदि पंचलोकपालों के लिए, चतुष्षष्टी योगिनी और षोडश मातृकाओं के लिए और रुद्र और नारायण भगवान के लिए बलिदान के लिए, पापड़ की बलि, दधि माख बलि। और ये हवन कुंड तैयार हो चुका है, थोड़ी देर में हवन प्रारंभ होने वाला है। हर हर महादेव। तर्पयामि तीन दिन के अनुष्ठान के बाद अब यहाँ से रोहतक के लिए पलायन। ये कुंडली मानेसर एक्सप्रेस हाईवे, और अभी कुंडली मानेसर हाईवे से रोहतक के सफ़र में ये हरियाणा की नई टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे हिमाचल में सिंचाई की जाती है उस प्रकार से यहाँ पर सिंचाई की जा रही है ताकि पानी की बचत हो पाए। क्योंकि हरियाणा में तो पूरे खेतों को पानी से भरा जाता है, जितना भी पानी है पूरा पानी का लेवल फुल किया जाता है और यहाँ पर स्प्रिंकलर से सिंचाई हो रही है। और युग बदल रहा है, अभी यहाँ से सब सरसों और धान की सिंचाई बड़े चरम सीमा पर सूर्य भगवान जी अस्त होने की तैयारी में। ये देखो बहुत ही मनमोहक ये सरसों और बीच बीच में धान और सिंचाई चली हुई है। और ये दूसरा स्टैचू इस प्रकार से बनाया गया है, इसको थोड़ा सा खंडित भी किया गया है, ये कुछ एक शरारती तत्वों के द्वारा किया गया होगा। यहाँ पे लिखा है योग बाबा, ये बाबा रामदेव जी हो सकते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, परंतु ये योग को दर्शाया गया है। ये देखो हो सकता है ये कोई आसन कर रहे हैं। ये आसन अगर आप देखेंगे इस आसन को किस प्रकार से किया गया है, ये इनके पैर है, पैर को ऊपर किया गया है। ये देखो ये पैरों को निकाला गया है यहाँ पर, और इधर से हाथ को इसमें पैरों में लगाया गया है। अभी इसके बाद रोड पर ऐसी ऐसी कलाकृति को दर्शाया गया है हाईवे पर। अभी इसको हम समझ तो नहीं पा रहे कि ये क्या चीज़ है, और ऐसी ऐसी काफ़ी सारी कलाकृतियाँ हैं। अभी ये देखो हमारी समझ से तो बाहर है, कुछ इसमें दर्शाया गया है, कुछ एक बिंदुओं को दर्शाया गया है। और ये कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे,
ये मोनू के 2018 में बनाए स्टैचू। अब ये तो मालूम नहीं कि ये क्या स्टैचू है। ये बादली के पास गुड़गांव